हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास, क्योंकि यहाँ पर मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर हम अपने Facebook अकाउंट के पासवर्ड भूल जाते हैं या फिर हो सकता है कि पुराने वाले जो आपके Facebook के पासवर्ड हो उससे आपका अकाउंट लॉगिन नहीं हो पा रहा है, अकाउंट खुल नहीं पा रहा है, आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, या फिर किसी और जगह पर आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना है लेकिन वहाँ पर रॉन्ग पासवर्ड बता रहा है, तो आप अपने अकाउंट के पासवर्ड को चेंज कैसे कर सकते हो? मतलब कि पहले के पासवर्ड नहीं पता है तो भी पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हो, बोले तो पासवर्ड को रिसेट कैसे कर सकते हो? तो अगर आप ये जानना चाहते हो, अगर आपको भी इसकी ज़रूरत है, तो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर, जैसा कि अभी मैं ओपन करता हूँ क्रोम ब्राउजर। अब यहाँ पर जैसा ही मैंने खोल लिया है, अब यहाँ पर आपको सर्च करना है फेसबुक। ये मैंने फेसबुक सर्च किया है, ऐसे ही आपको भी फेसबुक सर्च करना है। यहाँ पर जो फर्स्ट वाला आता है फेसबुक लिखा हुआ, इस पर सिंपली क्लिक कर दीजिए। अब कुछ ऐसा बताएगा आपके स्मार्टफोन में भी और मेरे फोन में भी, अब यहाँ पर ऐसा बता रहा है। अब यहाँ पर आपको ऊपर डालना होता है ईमेल और ये जो पासवर्ड लिखा है इसकी जगह पासवर्ड डालना होता है, लॉगिन करना होता है। लेकिन फिलहाल आपको अगर पासवर्ड पता ही नहीं है, आपका अकाउंट ही लॉगिन नहीं है, तो क्या करें? अब यहाँ पर क्रिएट न्यू अकाउंट के नीचे लिखा हुआ है फॉरगॉटन पासवर्ड, इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा एंटर यूर मोबाइल नंबर। अगर आपके मोबाइल नंबर से आपका अकाउंट जो होता है, आपका जो फेसबुक अकाउंट होता है वो अगर आपके मोबाइल नंबर से बना है तो यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर डालना है, और अगर आपका अकाउंट अपने जीमेल से बना है तो नीचे जो लिखा हुआ सर्च वाई यूर ईमेल एड्रेस और नेम इंस्टीट, यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। तो अब मैंने उस पर क्लिक किया क्योंकि मेरा अकाउंट जो है वो ईमेल से बना हुआ है। अब यहाँ पर अपना ईमेल डाल दीजिए, मैंने मेरा ईमेल डाल दिया है। अब यहाँ पर सर्च जो लिखा हुआ है, सर्च पर क्लिक करके और सर्च करता हूँ, तो जैसे ही मैंने सर्च पर दबाया तो लॉग इन टू गूगल टू क्विकली रिसेट योर पासवर्ड। तो अब यहाँ पर ये ऐसा इसलिए बता रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने मेरे गूगल अकाउंट को भी फेसबुक से कनेक्ट करके रखा था, तो अगर मैं मेरे गूगल अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ तो वो यहाँ से खुल जाएगा, लेकिन बहुत लोग करके नहीं रखते हैं। तो अब यहाँ पर कोई सी दूसरी प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ ट्राई अनदर वे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक और चीज़ दिख रही है, यहाँ पर देखिए सेंड कोड बाय ईमेल आकाश मीना और जो मेरा ईमेल है वो लिखा हुआ है। और यहाँ पर अब यहाँ पर मेरे को तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, एंटर पासवर्ड टू लॉगिन, पासवर्ड नहीं पता है मुझे, और गूगल अकाउंट को लॉगिन करके और मेरा अकाउंट खोल सकते हूँ तो वो भी नहीं करना है मुझे। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ सेंड कोड बाय ईमेल, तो उस पर क्लिक करके और यहाँ पर नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पर मैं ये नेक्स्ट बटन दबा देता हूँ, तो अब नेक्स्ट बटन दबा दिया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर द 8-डिजिट कोड, तो अब जो मेरा ईमेल एड्रेस है उस पर 8-डिजिट कोड गए हैं। अगर उन कोड को मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ तो यहाँ पर मेरा जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा। अब उन कोड को मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ जो कि मुझे जीमेल पर आए हैं, अगर उनको मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ तो मेरा अकाउंट सिंपली लॉगिन हो जाएगा। लेकिन लॉगिन होने के पहले यहाँ पर आपको न्यू पासवर्ड का ऑप्शन देगा, और न्यू पासवर्ड अगर आप नहीं करोगे, जब तक नहीं करोगे तब तक आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होगा। तो वहाँ से आपको पहले न्यू पासवर्ड सेलेक्ट करना है और उसके बाद में आपको लॉगिन करना है, ताकि पासवर्ड भी आपको याद रहे और आगे कुछ भी दिक्कत नहीं आए। दोस्तों बस इतनी सी प्रोसेस है इसको करने के बाद में, और अपना अकाउंट आप एक्सेस कर पाओगे। और इसके बाद में आपको अपने अकाउंट में टू स्टेप वेरिफिकेशन भी कर लेना चाहिए, ताकि कोई भी आपके अकाउंट को हैक नहीं कर सके। अगर कोई भी आपके पासवर्ड और जीमेल जो होता है वो पता कर लेगा तो भी आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होगा उनसे, क्योंकि आपके जो मोबाइल नंबर होता है उस पर भी एक ओटीपी आएगा जिसके बाद में लॉगिन होगा, अगर आप टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करके रखते हो तो। तो ऐसे में अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का तुरंत से रिप्लाई करूंगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही, देख लो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।